जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मेरा मौका लिया। मैं सबसे पहले एक बात आपको क्लियर करूं कि बेसिकली ये लड़ाई डॉक्टर्स और के दरमियान नहीं थी, ये एक डिस्पेंसर के साथ लड़ाई हुई। उस डिस्पेंसर के साथ तल्ख कलामी के बाद वो लड़ाई बढ़ती बढ़ती वहां की सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ और फिर वहां के जो स्वीपर्स हैं उनके साथ लड़ाई हुई है। डॉक्टर्स को तो इन्वॉल्व बाद में किया गया अपनी फेस सेविंग के लिए। मैं समझता हूँ कि शायद वकील साहबान से ना ये हजम नहीं हो रहा था कि उनको स्वीपर्स ने या उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने मारा है, और वो शायद अपनी इसको एक इंसल्ट समझ रहे थे कि हम दर्जा था चार लोगों से मार खा के आ गए। अब देखें लड़ाई हुई कहाँ पे, एक डिस्पेंसर के साथ जो कि गलत काउंटर पे वकील साहब आते हैं, गलत काउंटर पे वो डिस्पेंसर उनको गाइड करता है कि आप ब्राय मेहरबानी दूसरी से तीसरे काउंटर पे चले जाए, वहां से आपके जो एंटाइटल की मेडिसिन है वो वहां से आपको यहाँ वहां से मिलेगी। मैं जो बैठा हूँ ये काउंटर जो है, ये जो विंडो है, ये पूरे पेशेंट्स के लिए है। अब वकील साहब ने डेफिनेटली वो पहले एक लाइन में लगे हुए थे, उसके बाद उनको वो दूसरी लाइन में लगना पड़ना था क्योंकि पीआईसी के अंदर एट अ टाइम उस डिस्पेंसरी के अंदर 1000 से 1500 मरीज होता है जो लाइन में लग के अपनी मेडिसिन ले रहा होता है डेली की। अब वो उनसे शायद वो उनकी इज्जत में कमी आ गई, अगर उन्होंने इसका वो एक लड़ाई बनी, एएमएस साहब ने बैठ के उस लड़ाई को सेटल की, चाय पिलाई गई वकील साहबान को, उनकी मेडिसिन मंगा के दी गई, वो सारा मामला रफा दफा हो गया। उसके बाद 30 से 40 वकील आए, उन्होंने आके फिर उस डिस्पेंसर को और अस्पताल के अमले को मारा, और कहीं पे वहां पे डॉक्टर मौजूद नहीं था। डॉक्टर को कब नॉमिनेट किया गया, जब डॉक्टर इन्वॉल्व हुए, जब डॉक्टर्स के खिलाफ, तीन डॉक्टर्स के खिलाफ एफआईआर के अंदर उनके नाम डाले गए, डॉक्टर्स को तब इन्वॉल्व किया गया, उससे पहले डॉक्टर किसी लड़ाई के अंदर मौजूद नहीं थे। अब क्योंकि अस्पताल का अमला है, हम एक साथ रहते हैं, हम एक साथ काम करते हैं, तो हमारी एक दूसरे के साथ सिंपथीज शामिल होती हैं, तो हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना ही करना होता है।